वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। काफ लीग और तहरीक इंसाफ में रंजिशें दूर हो गईं। पंजाब और विफाक में मिलकर चलने पर इत्तफाक, नईम उल हक कहते हैं इख्तलाफात की अफवाहें दम तोड़ गईं। इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत होगा, चौधरी शुजात बोले इमरान खान मुल्क की जरूरत है। शीर वज़ीर आज़म नईम उल हक की वफ्द के हमरा चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, एक दूसरे की भरपूर हिमायत का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन ने उस्मान बुज़दार की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। कहते हैं किसी ने वज़ीर आला के खिलाफ कोई साजिश की तो डट कर खड़े होंगे। जहाँ तक CM का तलक है, उसके मतलब मुझे कहा गया कि जी अखबार में भी आया कि उनके खिलाफ ये तहरीक चल रही है, वो तहरीक चल रही है, वो ये हुआ। ये बिल्कुल मैं आज बावजूद तरीके से कहना चाहूँगा, अगर किसी ने साजिश की हमारी पार्टी बिल्कुल उसका साजिश देगी। चौधरी शुजात हुसैन का मजीद कहना था कि PTI से कोई इख्तलाफात नहीं, मिलकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ का हमारे साथ पूरा अहद रहेगा और साथ हम चलेंगे और इमरान खान को हम समझते हैं कि वो इस वक्त वक्त की जरूरत है। कोई बात उनके मुकाबले में सामने नहीं आ सकता, ना ही कोई है। नईम उल हक शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के जवाब में बोले कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। शहबाज शरीफ प्रोडक्शन ऑर्डर पर ईवान में आकर हुकूमत को गालियां देते हैं। जो प्रोडक्शन ऑर्डर जो हमने पेश किया था और कानून में भी ये लिखा हुआ है जो स्पीकर के उस वक्त बुलाया जाए जब उसकी जरूरत है, वो मसबत किरदार अदा करे, मगर शहबाज शरीफ ने उस समझौते की जो 1 घंटे पहले हुआ था उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने वज़ीर आज़म पे ज़ातियात पे हमले किए, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बाथरूम जाने के लिए उनको इजाज़त चाहिए वगैरह वगैरह। नईम उल हक का ये भी कहना था कि मुखालफीन की साजिशों का डटकर मुकाबला करेंगे। मजीद कहा कि नैब कवानीन में तरमीम के लिए तैयार हैं। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़।